दोस्तों हमारे ये वाले प्रेस मशीन के जो सिलेंडर के अंदर इंटरनल ऑयल सील होता है वो ब्रेक हो चुका है और ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो इसके सील चेंज करेंगे और भी इसमें कोई प्रॉब्लम होगा उसे भी रिपेयर करेंगे, सारे कुछ इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। मैं हूं इम्तियाज, आप देख रहे हैं हीट ट्रीटमेंट मेंटेनेंस। आइए दोस्तों आज के वीडियो शुरू करते हैं। ये वाले हमारे प्रेस मशीन है, इससे पहले भी हमने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ था लेकिन दोस्तों फिर कुछ टाइम चला और ये हमारे ख़राब हो चुका है, तो हम लोग इसे फिर से रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए इसके जो नीचे वाले सिलेंडर वाला हिस्सा है हम लोग खोलेंगे। पहले वीडियो में हमने पूरा खोला था, इस वीडियो में आधा खोलेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर आगे के आगे देखी जाएगी। तो दोस्तों इसमें से दो बोल्ट आमने सामने के हम लोग खोल के बाहर निकाल लेंगे, पाने के मदद से या गोटी के मदद से। आप आमने सामने के दो बोल्टे आपको खोल लेना है। दोस्तों हमने खोल लिया है। खोलने के बाद आपको लंबा नट लेना है, करीब करीब 10-12 इंची लंबा नट लेना है, मतलब कि नट बोल्ट दोनों लेना है कुछ इस टाइप के। एक नट को आपको चढ़ा देना है, उसके बाद इसी बोल्ट के साइज के लेंगे और लेकर इसमें दोनों को आमने सामने टाइट कर देंगे सेफ्टी के लिए, क्योंकि दोस्तों इसका अंदर स्प्रिंग होता है, एकदम से खुलेगा। और इस टाइप से आपको मार्किंग लगा देना है मार्कर से, ताकि हम जब फिटिंग करें तो हमारे बोल्ट को सुराग मैच करने में आसानी हो। तो देखिए हमने सारे बोल्ट भी खोल लिए, मार्किंग भी लगा दिए। अभी जो ऊपर वाला नट है दोस्तों इसको बराबर से लूज करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा सिलेंडर है ये बाहर की तरफ निकलेगा। तो चलिए इसे फटाफट से हम लोग लूज करते हैं चाबी के मदद से कुछ इस टाइप से। तो हम लोग यहाँ जैसे जैसे दोस्तों इसको लूज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे सिलेंडर का निचले वाला हिस्सा बाहर को आ रहा है। दोस्तों अगर इस टाइप से टेपर में खुलता है तो बहुत सावधानी से सिलेंडर को हिलाएंगे, नहीं तो नट के नीचे में हाथ रहेगा आपका, उंगली रहेगा तो उंगली चिप जाएगा, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग होता है। तो इसीलिए आपको सावधानीपूर्वक काम करना है, नहीं तो स्प्रिंग छटकता है तो आपको चोट भी लग सकता है। तो इस प्रकार के लूज करके बिल्कुल बराबर से एकदम नीचे को गिरा लेंगे। जब आपका स्प्रिंग पूरा फ्री हो जाए फिर आपको नट और बोल्ट दोनों को बाहर निकाल लेना है, सिलेंडर को भी बाहर निकाल लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो हम यहाँ पर हमारा स्प्रिंग लूज हो चुका है दोस्तों। तो देखिए ये हमारा बाहर आ गया, कुछ इस टाइप से आपको बाहर निकाल लेना है। इसके बाद इसका जो अंदर का सेंटर रॉड है जो बाहर निकलता है प्रेस करने पर, पंप करने पर हाइड्रोलिक तेल, तो इसको भी इस प्रकार से खींच के बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये आपको गंदे जगह में नहीं रखना है और सावधानी से निकालना है ताकि इस पर डेंट उंट ना लगे। तो देखिए हमने कुछ इस प्रकार से निकाल लिया है, और गंदे जगह में रखेंगे तो इसमें ऑयल लगा हुआ रहता है तो आपको ऑयल इसमें चिपक जाएगा, मतलब कि डस्ट चिपक जाएगा, तो आपको साफ़ करने पड़ेंगे। तो हमने उसे साफ़ जगह में रखा है और सील कुछ इस प्रकार से पेचकस से निकाल देंगे, और जो नंबर का इसमें सील रहेगा दोस्तों बिल्कुल उसी नंबर का सील आपको लेके आना है। अगर नंबर नहीं रहता है तो आप सैंपल वो सील लेकर जाएंगे सील के दुकान पर, तो आपको मेजरमेंट करके दे देगा। यहाँ भी दोस्तों हमारा एक सील होता है, इसे भी हम लोग चेंज करेंगे। तो ये अगर निकल जाता है तो ठीक है, नहीं तो पेचकस से इसको हल्के हल्के कूट के और टेढ़ा करके फिर पेचकस से निकालेंगे तो निकल जाएगा। जैसे कि मैं आपको वीडियो में थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, इस टाइप से आपको दोस्तों पेचकस से, कोई ठोकने वाला पेचकस होगा उससे इस टाइप से कूट कूट के टेढ़ा कर लेंगे। टेढ़ा करने के बाद आपको पेचकस से ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये निकल जाएगा कुछ इस टाइप से। देखिए ये हमारा सील बहुत आसानी से निकल गया, इस पर भी नंबर रहता है, जो नंबर का सील इसमें लगा होगा आप उसी नंबर का सील दुकान से जाकर परचेस कर लेंगे। परचेस कर लिए हैं दोस्तों हमने सील, यहाँ पर दोनों सील हमारा आ गया है। तो अब इसको फिटिंग करते हैं, जो सील का कवर वाला हिस्सा है इसको ऊपर की तरफ रखना है कुछ इस टाइप से। उसके बाद आपके पास सॉफ्ट हैमर है तो उसे आप ठोक दीजिए, नहीं तो ऐसे लोहे वाला हथौड़ा है तो उसे आप हल्के हल्के चोट मार के इसे बैठा सकते हैं कुछ इस टाइप से। ज़्यादा ज़ोर से आपको चोट नहीं मारना है, बिल्कुल हल्के हल्के चोट मार के जितना अंदर था बिल्कुल एकदम बराबर कर देंगे और बराबर करके बैठा देंगे। तो देखिए हमने बैठा दिया, अब इसमें बड़ा वाला सील लगाते हैं। इसके जो कवर वाले हिस्से हैं दोस्तों उसको हमें नीचे रखना है कुछ इस टाइप से, जो नालियाँ बनी हुई है स्लॉट बनी हुई है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और सील को बिल्कुल सावधानी से हल्का हल्के खींच के इसमें लगा देंगे। दोस्तों रबर सिलिकॉन का ये सील होता है, सावधानी पूर्वक लगाएंगे ताकि सील आपका कटे ना। तो देखिए हमारा सील बहुत आसानी से इसमें लग गया है। सील लगने के बाद अगर घूम जाता है तो ठीक है, ऐसे घुमा के देख लेंगे, नहीं घूमता है तो आपको बराबर से सील को बैठा देना है। तो हमने बैठा दिया है, तो चलिए अब इसमें फिटिंग करके देखते हैं मशीन में कि यह हमारा फिटिंग होता है कि नहीं।
देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको टेपर में रख के और इसको ऊपर की तरफ ढकेलना है। जब ढक लोगे तो ये आपका अंदर में फिट हो जाएगा। बहुत बार तो दोस्तों फिट हो जाता है और बहुत बार फिट नहीं होता है। हम लोगों ने दोस्तों काफ़ी जोर मारा, काफ़ी कोशिश किया, लेकिन यह हमारा सील फिट नहीं हुआ है। जो सेंटर रॉड होता है सिलेंडर के अंदर फिट नहीं हुआ है। तो चलिए और थोड़ा सा हम लोग जोर मारते हैं। दोस्तों जब जोर मारेंगे तो पेचकस से इसके सील अगर बाहर की तरफ निकल जाएगा तो उसे आप अंदर की तरफ डालेंगे। तो हमने काफ़ी जोर मारे दोस्तों, लेकिन हमारा ये जो सेंटर रॉड है सिलेंडर का ये नहीं लगा। तो फाइनली हम लोगों ने इसे खोलने का डिसीजन किया है कि पूरा आधा हिस्सा जो ऊपर है उसको भी खोल के बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए फटाफट से 4 बोल्ट उसमें है उसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों ये भारी रहता है तो आपको सावधानी से खोलना है। तो देखिए हमने खोल लिया है और कपड़े उपड़े मार लिए हैं। इस पर साफ़ सफाई का आपको ध्यान रखना होगा और इस टाइप से कपड़े उपड़े मार के अब इसके अंदर हम लोग सिले, मतलब कि जो हमारा सेंटर रॉड है इसको फिक्स करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डालते हैं सेंटर रॉड को जो सिलेंडर के अंदर होता है। तो इस टाइप से दोस्तों आपको टेपर में रख के और पेचकस से अगर इसके सील उल्टे तरफ मुड़े होंगे तो पेचकस से डाल के इसके सील को आपको सीधा कर देना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कुछ इस टाइप से। देखिए कुछ इस टाइप से पेचकस से सील को दोस्तों आपको सीधा कर देना है बराबर चारों तरफ से। हल्के हल्के सीधा करते जाएंगे और हल्के हल्के जो आपका रॉड है उसको सीधा करते जाएंगे और सील को हल्के हल्के अंदर की तरफ मोड़कर और डालते जाएंगे, रॉड को सीधा करते जाएंगे तो आपसे क्या होगा कि इस टाइप से लग जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट से कर देते हैं। वीडियो थोड़ा स्पीड कर दिए हैं ताकि टाइम कम लगे और काम ज़्यादा समझ आए। तो देखिए हमने सारे कुछ कर दिए, अब हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये हमारा आसानी से बिल्कुल डल जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पर ये जो रॉड होता है इसके अंदर सिलेंडर के वो फिक्स हो गया है। अब हम लोग टाइट करेंगे, इस टाइप से स्प्रिंग रख देंगे। जैसे आपको स्प्रिंग खोलिएगा बिल्कुल उसी प्रकार से स्प्रिंग रख दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर स्प्रिंग रख दिया। अब इसके ऊपर में जो आधा हिस्सा का जो हमारा सिलेंडर था उसको भी रख देंगे और जो आपने मार्कर से मार्किंग किया हुआ था दोस्तों उसी के सामने सामने इसको सेट करके और बड़े वाले जो हमारे नट बोल्ट हैं उसको वापस से आमने सामने टाइट कर देंगे दो। टाइट करने के बाद आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस टाइप से जब आप बराबर बराबर टाइट करिएगा और जब यहाँ पहुँचेगा तो अच्छे से रॉड को बाहर निकाल लीजिएगा इधर उधर करके सील से बाहर। उसके बाद टाइट करते रहिएगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा बहुत आसानी से। आपको जोर मारने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे टाइट कर सकते हैं। जब इस टाइप से टाइट हो जाएगा तो इसके अंदर सारे जो नट बोल्ट थे, मतलब कि जो बोल्ट थे दोस्तों, वो सारे को आपको टाइट कर देना है और बोल्ट टाइट करने के बाद जो लंबे वाले आपने नट बोल्ट लगाए थे उसको आपको खोल लेना है। तो देखिए हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से इसको किए हैं। फिर सारे लंबे वाले जो दोनों नट बोल्ट थे उसको खोल के बाकी उसमें भी हम लोग बोल्ट लगा देंगे और बोल्ट लगा के आप चाहें तो इसे फुल टाइट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप हल्के फुल्के टाइट करके और ऊपर में जब आप फिटिंग करेंगे तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पर बाकी टाइट करेंगे क्योंकि वहाँ टाइट खड़ा रहेगा ना तो वहाँ टाइट करने में आसानी मिलेगा। तो देखिए दोस्तों हमने जैसे हमने आधा हिस्सा खोल के निकाला था, ये 4 बोल्ट हैं हमारे, तो हमने वापस से थोड़ा इसमें भारी रहता है तो थोड़ा जोर लगाने पड़ते हैं, तो 2-3 बंदे लेकर हमने इसे फिट कर लिया है और फिट करके जो इसमें अच्छे प्रकार से फिक्स कर देंगे जो 4 बोल्ट थे फिक्स करके और गोटी से या पन्ना से जो सिलेंडर वाले बोल्ट थे उसको टाइट कर देंगे। चारों तरफ से बराबर बराबर टाइट करना है आपको। तो देखिए हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं बराबर बराबर से टाइट और आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा कंप्लीट टाइट हो गया है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसके जो पंप वाले जितने भी थे वो भी फिट कर लेंगे। इसमें अगर हाइड्रोलिक ऑयल नहीं होगा तो ऑयल को भी डाल लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर 5-7 लीटर ऑयल दोस्तों इसमें डाले हुए हैं और डाल के इसका जो रॉड होता है पंप करने वाला इसे भी फिट कर लेंगे और फिट कर लिए हैं दोस्तों। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि टेस्टिंग करके देखते हैं कि यह हमारा प्रॉपर काम करता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पंप करने से रॉड बाहर आ रहा है, पहले नहीं आता था, पंप करते थे तो रॉड वहीं रह जाता था। अब इस प्रकार से रिलीज करेंगे तो ये हमारा ऊपर चले जा रहा है, मतलब ये जो हमने फिटिंग किया ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है। तो आप भी इस टाइप से दोस्तों बहुत आसानी से हाइड्रोलिक प्रेस मशीन को रिपेयर कर सकते हैं, फिटिंग कर सकते हैं। नीचे में हम लोगों ने दोस्तों एक रॉड को रख के दबा रहे हैं कि फिर से कहीं
दबाने के बाद इसमें जोर लग रहा है कि नहीं, तो यह हमारा प्रॉपर सही काम कर रहा है। तो इस टाइप से आप भी रिपेयर कर सकते हैं अपने प्रेस मशीन के या अपने कंपनी के प्रेस मशीन के। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो अपने इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस करिए। मिलते हैं इसी के साथ एक और नई वीडियो में। इससे जुड़ा कोई डाउट है आपके मन में, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।